फलस्तीनी मुजाहिदीन के गजा में ताबड़तोड़ हमले, जहर अल कदीक में 60 इसराइली फौजी हलाक और जख्मी कर दिए गए, अल कसाम ब्रिगेड का बयान। कतर का गजा में इसराइली जराइम के गैर जानबदाराना बैनुल अक्वामी तहकीकात का मुतालबा, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल सानी का दो टुक बयान। अजीम इनकलाबी रहनुमा नेल्सन मंडेला की 10वीं बरसी, जोहान्सबर्ग में 5वीं बैनुल अक्वामी यकजहती फलस्तीन कॉन्फ्रेंस का आगाज, कॉन्फ्रेंस का उनवान नेल्सन मंडेला और फलस्तीन रखा गया। अमरीका, यूरोप, एशिया और अफ्रीकी ममालिक समेत 70 ममालिक से मंदुमीन शरीक, हमास, जिहाद इस्लामी, हिज़्बुल्लाह, अंसारुल्लाह, अलफतह के नुमाइंदे शरीक। कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से नेल्सन मंडेला के पोते का खिताब, जो कुछ इसराइल कर रहा है वो नस्ल कुशी है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन की कोहाट में रैली, मुख्तलिफ मुकादिब फिक्र के उल्मा की शिरकत, अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं इसराइल का मुस्तकबिल तारीख है, फलस्तीनियों पर मजालिम अमरीकी इमा पर किए जा रहे हैं। गजा में जंगबंदी का मुतालबा न करने पर मुसलमान अमरीकी सदर से नाराज, मुस्लिम तंजीमों ने अगले इलेक्शन में जो बाइडन की हिमायत न करने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें, आम इंतखाबात की तैयारियों और सिंध में तंजीमी उमूर पर मुशावरत, एमकेएम और दीगर जमातों से इंतखाबी एडजस्टमेंट पर गौर, नू लीग के सदर कहते हैं इलेक्शन जीत कर महंगाई को हराएंगे। लेकिन जब पंजाब में अभी जाएंगे तो आपको जो पंजाब में रेस्पॉन्स नजर आएगा वो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। अब 3 दफा इख्तियार में है कि पाकिस्तान में कोई एक हॉस्पिटल आपने बनाई हो सरकारी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सरप्राइज देने की ठान ली, इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आने की पेशगोई, नून लीग वाले बता दें मुल्क में कोई एक सरकारी अस्पताल बनाया है, शर्जील मेमन का सवाल, एमकेएम का भी जिक्र खैर। जिल्लास में बस पर फायरिंग से जाबहक 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा, वजीर आला और फोर्स कमांडर मेजर जनरल काशिफ खलील की भी शिरकत, मैयतें अबाई इलाकों को रवाना। भाई अंडों के रेट तो यहाँ पे अलग अलग हैं, कहीं 900 रुपए का ग्रेड है, कहीं 800 रुपए का ग्रेड है। अंडे की कीमत सुनकर ही कान गर्म, सर्दी भगाने का शौक खत्म, कराची में अंडे 340 से 360 रुपए फी दर्जन में बिकने लगे, देसी की कीमत 600 रुपए फी दर्जन हो गयी। वाजिबात की अदम अदायगी पर कोयटा में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का डीजल बंद हो गया, किसी भी इमरजेंसी में रेस्क्यू का अमल मुमकिन नहीं, गाड़ियों के डीजल का बिल 40 लाख है, रकम अदा ना हो सकी। और कौमी वुमेन क्रिकेट टीम की तारीखी कामयाबी, न्यूजीलैंड को पहले टी20 मैच में शिकस्त, 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल।